हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत कथा में आयल सभी भक्तन जो हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत है। असा सभी जो सौभाग्य है कि असा सभी के भगवान इन पवित्र स्थान से पैंजी कथा बुधने जो अवसर प्रदान करो है। प्रभुपाद जी चवन था कथा करण का पहले एक नंढो सो भजन आए वो अवश्य गायन घुर्जे। इनो कारण खबर अव इनो कारण आए कि इन भजन में अड़ी शक्ति आए कि जर अस मन से गाइंदा ना तो अस उन कथा के अंदर पान के मन कथा खाली बुधंदा ना पर कथा में प्रवेश करना है। तो यो रस्तो है कथा में प्रवेश करण जो सभी मूसा कर Oh,
Thank you.
प्रभु नित्यानंदा
अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त स्वामी महाराज की नित्य लीला प्रवेश भय चरणालिन भक्ति वेदांत स्वामी श्री गोपाद की श्रीमद् भागवतम जेको सभी शास्त्रन जो सार आए एसेंस आए आई उन के ग्रंथ राजी न करे चवंदा आहिनि छाकाण त सभी शास्त्रन जो राजा आहे किंग ऑफ द लिटरेचर्स आई श्रीमद् भागवतम कोई शास्त्र कौन आए श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान आए आचार्य चवंदा आहिनि कि जीअं तव्हां श्रीमद् भागवतम जो दर्शन कंदा आहियो न इन श्रीमद् भागवतम में जेके वाइट कलर जा सफ़ा आहिनि न वाइट कलर जा जेके पेज आहिनि से श्रीमती राधा रानी आहिनि ऐं उन्हनि ते जेके कारे कलर सां अखर लिखियल आहिनि वो कृष्ण आए मतलब जेकॾहिं तव्हांखे राधा और कृष्ण सां मुलाक़ात करणी आहे न त बस पोइ श्रीमद् भागवतम खे खणी करे उन खे पढ़णु स्टार्ट कयो सम्झो मिलन थी वेंदो उन ॾींहुं भॻवान सां जंहिंजा वास्तव में असां भागवत श्रवण कंदासीं त इन ई श्रीमद् भागवतम जे हिन सत्र में असां अॻियां हली रहिया आहियूं असां टे सिकंदर खे स्टार्ट कयो आहे इन में टोटल 33 अध्याय आहिनि 33 अध्याय आहिनि शुरू जा जेके 18 अध्याय आहिनि उन्हनि में असां भॻवानु वराह जी जनम जी हिन खां पहिरीं वारे सत्संग में कथा ॿुधी हाणे 20 खां वठी करे 33 ताईं भॻवानु कपिल देव जो जनम जेको ज्ञान प्रदान भॻवानु कपिल देव आहे उन जे विषय में ऐं उन जेको पंहिंजी माता देवहूतीअ खे ज्ञान ॾिनो आहे उन जे विषय में ॿुधायो वियो आहे त इहो ॾाढो सुंदर ऐं अत्यंत ई महत्वपूर्ण टॉपिक आहे तंहिं करे तव्हां सभिनि सां निवेदन आहे की पूरो कंसंट्रेशन सां हिन खे ॿुधंदा इहे जेके सवाल माता देवहूती कपिल देव खां पुछिया आहिनि ऐं कपिल भॻवानु जेके उन जा उत्तर ॾिना आहिनि उहे असांजे लाइ ॼाणणु ॾाढा ज़रूरी आहे अक्सर कथाउनि में ईअं थींदो आहे कपिल ऐं कर्दमुनि ऐं देवहूतीअ जे विवाह जो प्रसंग ॿुधायो वेंदो आहे ऐं पोइ ईअं ॿुधायो वेंदो आहे उन खां पोइ कपिल देव माता देवहूतीअ खे सांख्य योग जो ज्ञान ॾिनो बसि क्या बोला वो नहीं बताया जाता है लेकिन असां पूरो प्रयास कंदासीं श्री प्रभुपाद जी जी कृपा सां असां उन्हनि प्रसंगनि खे थोरो ॿुधण जो प्रयास कंदासीं छाकाणि त इहे उहे प्रसंग आहिनि जेके असांजे जीवन खे बदिले सघनि था त अॻियां वरी ॿुधाइनि था की स्वयंभु मनु ऐं शत्रुपा यानी ब्रह्मा जीअ जे सीधे साइड तां स्वयंभु मनु जो जनमु थियो ऐं बाहि अंग मां शत्रुपा जो जनमु थियो ऐं उन्हनि ॿिन्हिनि जो विवाह थियो उन्हनि खे ॿ पुत्र ऐं 3 कन्याऊं उत्पन्न थियूं ॿ पुटनि जा नाला आहिनि उत्तानपाद ऐं प्रियवर्त ऐं 3 कन्याऊं आहिनि आहुति आकुति देवहूति ऐं प्रसूति ऐं उन खां पोइ देवहूति जो विवाह जेको आहे सो कर्दम ऋषि सां थियो कर्दम ऋषि केरु आहे कर्दम ऋषि ब्रह्मा जीअ जी छाया सां उत्पन्न थियो ऐं ब्रह्मा जी उनखे आदेश कयो त पुट हाणे तूं संसार जी सृष्टि कर हरे कृष्ण तॾहिं कर्दम ऋषिअ जो पिताजी सृष्टि करण खां पहिरीं मां तपस्या करणु चाहियां थो ॾिसो असांजो शास्त्र छा थो सेखारे की जीव जेसिताईं उत्पत्तीअ जे योग्य न थींदो आहे
जेस ताई के उ तपस्या न करे कि जेके शुरू का वटी करे 25 साल जा जेकी समय हुंदो आए ना उ तपस्या जो हुंदो आए उ शास्त्र अध्ययन जो समय हुंदो आए उ पाठशाला में वनी करे गुरुकुल में वनी करे गुरु जे आदेशन जे अनुसार शास्त्र अध्ययन करण जो समय हुंदो आए अज असा सबिन जो ग्रस्त छाजे करे बिगड़ल आए छाकाण त असा जो ब्रह्मचर्य बिगड़ल आए ब्रह्मचर्य अवस्था में कोई शास्त्र के हथ न रहंदो आए ना कोई गीता पढ़ंदो आए ना कोई भागवत पढ़ंदो आए ना ही कोई पंहिंजे जीवन के संयमित रखंदो आए ए त धन्य आहिनि हिते कन्हैयालाल प्रभु शेवक राम प्रभु ऐं हैदराबाद जे संगत द्वारा जेके इहो हिकिड़ो सुंदर कदम खणियो आहे कि ॿारनि खे आध्यात्मिक शिक्षा सां गॾु भौतिक शिक्षा सां गॾु या आध्यात्मिक शिक्षा ॾेई करे उन्हनि खे दुनिया जे साथ साथ भॻवान जी भक्तिअ में बि अॻियां करण जो हिकिड़ो सुंदर स्टेप आहे इहो हृदय जी गहराईअ सां भॻवान सां प्रार्थना आहे कि उहे हिन कार्य खे अॻियां ताईं खणी हली सघनि ऐं इहो तंहिं करे करदम ऋषि ब्रह्मा जी खे चवे थो कि मूंखे पहिरीं छा करणी आहे तपस्या करणी आहे ऐं पोइ गुजरात में सिद्धपुर नाले हिकिड़ो स्थान आहे सरस्वतीअ जे तट ते उते करदम ऋषि वञी करे घणा ई समय ताईं तपस्या कनि था ऐं एतिरी सुंदर तपस्या कनि था कि उन जी तपस्या सां प्रसन्न थी करे साक्षात भॻवान विष्णु हिन सन उन जाइ ते प्रकट थियनि था ऐं जॾहिं भॻवान विष्णु प्रकट थियनि था त भॻवान विष्णु करदम ऋषि जी तपस्या खे ॾिसी करे एतिरा आनंदित थियनि था कि शुकदेव गोस्वामी लिखियो आहे कि भॻवान उन जी तपस्या खे ॾिसी करे एतिरो आनंदित थियो कि भॻवान जी हिकु अख मां अंश निकिरी माना आंसू किरण लॻा ऐं भॻवान उन जी तपस्या खे ॾिसी करे जीअं ई आंसू निकिरो त उते हिकिड़ो कुंड ठहिजी वियो कुंड भॻवान जे आंसू सां उते हिकिड़ो कुंड ठहियो ऐं उन खां पोइ भॻवान कपिल देव खे चयो करदम ऋषि खे चयो कि मां तुंहिंजी तपस्या सां ॾाढो प्रसन्न थियो आहियां गुरु तोखे जेकी इच्छा हुजे मां उहो ॾियण जे लाइ तत्पर आहियां तॾहिं करदम ऋषि चयो मुंहिंजे पिताजी जो आदेश आहे कि मां संसार जी सृष्टिअ में सहायक थियां तंहिं करे मां हिकिड़ी भक्त पत्नीअ सां मां चाहियां थो कि कोई भक्त पत्नीअ सां मुंहिंजो विवाह थिए ॾिसो एतिरी तपस्या कई अथई ऐं उन जे बाद भॻवानु प्रकट थियो आहे ऐं भॻवान खां छा थो घुरे कि मूंखे छा घुरिजे तो भक्त पत्नी मिलना इतना सरल नहीं है उसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है कि मिली आए वो धन्यवाद कर भगवान जो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे तदै भगवान ये बोलतो कि अरे इतनी तपस्या कई आए हाने त इन के गुरु जी के भगवान आए मके कुछ न तो खपे तुंजो दर्शन थियो मुखे बस तुझो धाम घुर्जे तुझी भक्ति घुर्जे हिन छा घुरियो आहे पत्नी माना झंझाल सो घुरियो अथई इहो ॿुधी करे भॻवान जी ॿी अख मां बि आंसू किरण लॻा ऐं भॻवान जे इन ॿिनि अखियुनि मां जेके लुड़क करिया आहिनि उन्हनि सां हिकिड़ो सरोवर बणियो आहे जंहिंजो नालो आहे बिंदु सरोवर ऐं इहो बिंदु सरोवर जेको आहे उनखे मात्र गया चवंदा आहिनि जीअं हिकिड़ो गया हूंदो आहे गया तीर्थ आहे उते पितरनि जे लाइ अञा तर्पण करण लाइ वेंदो आहे जीअं जंहिंजे पितरनि जो देहांत थी वेंदो आहे उहे पितृ गया में वञी करे पंहिंजे पिता जे लाइ या पंहिंजे पूर्वजनि जे लाइ तर्पण कनि था उन ई तरह माताउनि जे लाइ जिते तर्पण कयो वेंदो आहे उहो बिंदु सरोवर आहे ऐं उहो गुजरात में सिद्धपुर जे स्थान ते आहे उते साक्षात भॻवान परशुराम पंहिंजी माता रेणुका जे लाइ तर्पण करण जे लाइ विया हुआ ऐं उहो एतिरो सुंदर स्थान आहे ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे भॻवान जी अंजन सां बणियल आहे तंहिं करे उन स्थान जे विषय में गर्ग संहिता में लिखियल आहे हिकिड़े दफ़ा छा थियो चंद्रावली श्रीमती राधा रानीअ खे गर्ग संहिता पढ़ी करे ॿुधाए रही हुई ऐं गर्ग संहिता में लिखियल आहे कि जेको बि बिंदु सरोवर में सनानु कंदो आहे उनखे तत्काल कृष्ण जो दर्शन थींदो आहे
सदै इय बुधाई तदै श्रीमती राधा रानी चवेती चंद्रावली वरी पर्द छा पड़ियो तई चंद्रावली चवेती के राधे ते लिखल आहे कि जेको बिंदु सरोवर में स्नान कंदो आहे उनके तत्काल कृष्ण जो दर्शन थींदो आहे तदै राधा रानी चे चलो सभी तैयारी करो हाणे सभी मिली करे बिंदु सरोवर में वनी करे स्नान करनासी तदै सभी जेके गोकुलवासी सभी बरसाना वाला जेके आई से सब तैयार थी करे बिंदु सरोवर में स्नान करण जे लाए वया आई उते वनी करे अन्या ताई श्रीमती राधा रानी ए उनन जो सखियो जेके आई बिंदु सरोवर में स्नान कयाओ थे पे तो उते कुछ यदुवंशी अंदर अचण विया उन्हें उन्हें भी स्नान करण की इच्छा प्रकट की लेकिन बाहर ललिता ही विशाखा बैठियो काथे त वयो तो अंदर स्नान करण जे हियर त अंदर नथा वनी सको छाकाण त असांजी महारानी स्नान करे रही आहे श्रीमती राधा रानी करे रही त उहे जेकी यदुवंशी हुआ उहे वनी करे कृष्ण खे चवन था के राजा ने केर आई आहे मतलब 100 साल थी वया कृष्ण ई राधा रानी के विछड़े राधा रानी वृंदावन में आई कृष्ण द्वारिका में द्वारिका में कृष्ण आया है उते बिंदु सरोवर में तदे यदुवंश जे बालक आई वनी करे चवन था के कृष्ण ना जाने केर ग्वालन के ग्वाल आया है जे के असा के वनर न था दी चवन था असा जी महारानी स्नान करे रही आहे तदे कृष्ण चयो अच्छा इते इन जो मतलब आहे कि राधिका पंहिंजे सखियुनि जे साथ आई आहे तव्हांखे त वञण न मिलंदो लेकिन तव्हां वञी करे राधा रानी खे चई अचो ॿाहिरि आई हुननि जे सखियुनि खे चओ कि कृष्ण तव्हांखे यादि कयो आहे हलो कृष्ण सां मिलण जे लाइ मतलबु अञा ताईं कृष्ण राधा रानी बिंदु सरोवर में स्नान पे कयो ऐं कृष्ण सां मिलण जो मौक़ो मिलियो आहे त बिंदु सरोवर एतिरो त पवित्र आहे जंहिंमें लिखियलु आहे कि जेको हुते वञी करे सनानु कंदो आहे उहो अहमदाबाद खां 2 घंटे जो ट्रेवल आहे उते इहो बिंदु सरोवर आहे ऐं उते उनखे मात्र गया में चवनि था जिते मात्र माताउनि जो तिरपण कयो वेंदो आहे त उन टाइम ते भॻवान खे कर्दम ऋषि चयो मां विवाह करणु चाहियां थो कोई भक्त पत्नीअ जो ॾसु ॾियो तॾहिं चयईं तोखे हाणे कुझु करण जी ज़रूरत कोन आहे मां पाण तुंहिंजे लाइ पूरी तयारी करे रखी आहे तूं हाणे तूं आनंद सां घर में वे 2 ॾींहनि खां पोइ मनो महाराज पंहिंजी पुत्री देवहूति खे वठी करे तोसां विवाह करण जे लाइ वठी ईंदा तॾहिं तूं हुन सां विवाह कजे उहा देवहूति सुशील आहे ऐं तुंहिंजे योग्य आहे उहा भॻवान जी शुद्ध भक्त आहे त इहो ॿुधी करे कर्दम ऋषि आनंद सां उन ॾींहं जो इंतज़ारु करणु लॻा 2 ॾींहनि खां पोइ शत्रुपा ऐं कर्द ऐं मनो महाराज पंहिंजी पुत्री देवहूतीअ खे वठी करे कर्दम ऋषिअ जे साथ अची करे उनजो विवाह जे विषय में चयाईं ऐं कर्दम ऋषिअ चयो कि हा भॻवानु विष्णु बि मूंखे ॿुधायो आहे कि मूंखे मां इन विवाह जे प्रस्ताव खे स्वीकार कयां थो छाकाणि त भॻवान बि असांजे लाइ इहा ई योजना बनाई आहे त हिते आचार्य गण ॿुधाइनि था कि मनो महाराज केरु आहे मनो उहो राजा आहे जो 71 चतुर्युग ताईं पूरे ब्रह्मांड ते राज कंदो आहे केरु आहे मनो महाराज मनो हूंदा आहिनि 14 मनो हूंदा आहिनि ब्रह्मा जी जे हिकिड़े ॾींहं में 14 मनो ऐं हिकिड़ो मनो जेको आहे सो 71 चतुर्युग ते राज कंदो आहे उहो पंहिंजी कन्या राजकन्या आहे उनजो विवाह कंहिंसां कराए रहियो आहे कंहिंसां हिकिड़ो झोंपड़ीअ में रहण वारो थकड़ आहे कुझु न आहे बिज़नेस बि न आहे हुनजे हुनजे पास कोई उहो नथो पुछे वञी करे महीने में केतिरो कमाई थो हा न मुंहिंजी कन्या खे राजकुमारी आहे केतिरी लग्ज़रियस लाइफ हुनजी गुज़ारी हूंदी हुन सॼे ब्रह्मांड जे राजा जी पुत्री आहे त हुनजी लाइफ केतिरी न न लग्ज़रियस हूंदी लेकिन हुनजो पिता हुनजो विवाह हिकिड़े भॻवान जे भॻत सां कराए थो इन जो मतिलबु इहो आहे असांखे शिक्षा मिली रही आहे की असां जेको ॾिसंदा आहियूं न की भई जंहिंजे पास धन हुजे जंहिंजे पास ज़्यादा अन ऐश हुजे या ॿियो कुझु हुजे उन उहे असांजी पुत्रीअ खे एतिरो सुखी न रखी सघंदा जेके उहे रखी सघंदा जेके भॻवान जा भॻत आहिनि छाकाणि त भॻवान जा भक्त जेके आहिनि भले हुनखे भौतिक फैसिलिटीस न बि ॾेई सघनि लेकिन उन्हनि खे आध्यात्मिक आनंद ऐं आध्यात्मिक जेको उनजो
मन की जी शांति है भक्ति करी प्राप्त थी वह भौतिक वस्तुओं से थोड़ी मिली है तो देवभूति से कर्दम ऋषि जो विवाह थो लेकिन कर्दम ऋषि छाकाण इतो समय तपस्या कर रहा हुआ ना तेरे उन मन अना तपस्या में रख रो एतो समय ती अ तपस्या ही कई देवभूति की तरफ कोई भी ध्यान न दिनो देवभूति आई हुई इत राजा की कन्या हुई पैंजे पिता के घर में जी सुंदर एकदम सुकुमारी नंढी अवस्था यवन अवस्था में आई इतना ही साल थी गुजरिया वो तो तपस्या से ही मतलब तपस्या में ही रो देवभूति उनकी सेवा कंदी हुई घर बुहारी हुई उनके लिए फल फुल वी करी कुछ प्रसाद बनाई लेकिन देवभूति से कोई संपर्क न हो कर्दम ऋषि जो घई साल उन एक दफा देव दिखो तो कि देवभूति जी है घर की सफाई कर रही है उनके ऐसी हरे कृष्ण अगर बहुत जरूरी बात ना तो भी बाहर जाके करना ठीक है तो तदी देवभूति ऐसी चयाई कि यह पैंजे पिता के घर में केतरी सुंदर आई हुई नंगड़ी सी कोमल बालकी आई हुई एकदम यवन भी मां तो इनको कोई ख्याल ही न रखो मां तो इनके कदें कुछ दिनों भी नैंजे पति धर्म इन तो पैंजी पतिव्रता पत्नी जो धर्म पूरा कयो लेकिन मां तो इनके कोई सुख न दिनों मतलब इतो समय ती 17 साल गुजरी वाया लेकिन ना तो उनके कोई शॉपिंग करण वी वो ना ड्रेस वी दिनाई ना कोई सुपर मॉल में कुछ भी ना हो जैसे उनके दिखाई तो बिल्कुल पुराना कपड़ा पया हुआस वार भी इं मेरा हुआस सजो शरीर भी इं छण तो कुछ कोई भी फैसिलिटी को हुई तो उनकी झोंपड़ी हुई तेरे उनके ऐसी सोचाई कि हाँ मुझे पति धर्म भी पूरा करण घुर्जे तद ही देवभूति के चयाई कि हाँ तो मुख्य बुधाए मां तुझी जी सेवा है उन प्रसन्न थी वो आं तो मुझे बुधाए तुझी जी भी इच्छा है मां पैंजे योग से भक्ति से तपस्या से एतरी शक्तियों प्राप्त करें तुझी हर इच्छा के मां पूरो करे सका तो तद देवभूति चवे थी कि मुख्य कुछ न तो घुर्जे बस तुम्हारा मुझे पिताजी के प्रॉमिस किया है वो पैंजो वचन पूरो कर उनके पिताजी के उन्होंने हो जैसे कर्दम ऋषि सा महाराज मनो आया हुआ विवाह करण के लिए तद चयाई कि मां तो भक्ति में मुझे मन लगो हों लेकिन जदि ती तुझी पुत्री के पुट जमंद तेस ती उनके साथ हूँस पुत्र उत्पन्न करण का वही तपस्या कर हली वस मतलब उन कि हाँ मुख्य पुत्र की इच्छा है ना कहीं कर उन कि मुझे पुत्र की इच्छा है तो वो कर्दम ऋषि ठीक है योग बल से सुंदर विमान बनाई उन विमान के मथा पूरा चक्र लिखल है एतो सुंदर विमान हो कि उनके अंदर इतना सारा बेडरूम्स हुआ इतना सारा इतनी लग्जरियस लाइफ हुई हर शै जी अस सोचे सकूँ था उन विमान के अंदर उन विमान के अंदर इतो सुंदर सुंदर रूम्स हुआ गार्डन्स हुआ पार्क्स हुआ मॉल्स हुआ हर शै हुई तेरे उन विमान के चई हाँ पा इन विमान में हली कर जिते तो मर्जी हुए उत तो हनीमून से वी हल देवभूति सोचो कि इन हालत में पहली तो आई हुस तदे तो राजकुमारी होंगी हाँ तो बिल्कुल अड़ी थी वही हाँ क्या हलान हनीमून ला सुनो ही ना लगन पैं पान के दिसन लगी तद कर्दम ऋषि समझी वो चई हे राजकुमारी तू परेशान न थी मुझे पास अपार शक्तियों हाँ तू वही इन बिंदु सरोवर में स्नान कर तो उत वे थी जैसे स्नान करण के लिए कर्दम ऋषि पैंजी तपस्या के बल से 1000 कन्याओं उत्पन्न करे तो कन्याओं जी से देवभूति के स्नान कराइन थी नया वस्त्र नया आभूषण एकदम जी पिता के घर में आई हुई ना उन सुंदर एतरी सुंदर सुशील सुकुमारी बनजी कर बाहर अचे थी उनके ऐसी कर्दम ऋषि भी हैरान थी तो वे कर्दम ऋषि सोचो ठीक है हाँ ये तो है ना वही यौवन बनजी वही है एतरी सुंदर बनजी वे हाँ माँ भी तो इनके साथ सूट न कस ना तो कर्दम ऋषि भी स्नान कर अचे तो भाई बिल्कुल नव युवक नवल किशोर बनजी कर उन विमान से हलन था कर्दम ऋषि पूछे तो काथे वी हल तो के इंग्लैंड स्विट्जरलैंड या फिर ना कैनेडा या कि हल्दी है तरह त
पर ऐसी मां के तो कुछ खबर ही ना है भौतिक जगत में केड़ियो केड़ियो केड़ा केड़ा स्थान आए कहां के जाते वणे होते मुखे वठी हल पर ए घूमी घूमी करे करता ऋषि जे तो इस संसार में कोई भी सुठी जाय आए को ने हलो पण स्वर्ग में ता हलो कोई स्वर्ग में नंदन कानन वन है अलग अलग जिते देवताओं के भी कह के जायो एड़ियो आए हर के देवता उनके भी वंदन में रिस्ट्रिक्शन हो गया एड़ी जायन ते केतरो ही समय ताई उनन आनंद कयो हना इते लिखल है छाकाण तो सतयुग जी गाल है तो हजारे सालन ताई ओ ए आनंद कंदा रहा उन जो जेको जेको विमान हुयो उन में सभी फैसिलिटीज हुआ एकड़ो बेडरूम ना हुयो उते हजारों बेडरूम्स हुआ तो मतलब जी अस क्यों ना एक घर में कुछ साल रहा कोई जगह हाँ चेंज कर घुर्जे या हर तरह की फैसिलिटीज ना अनलिमिटेड हुई उते आनंद करण का केतरो साल आनंद करण का कादम ऋषि के देवहूति चवे थी हाँ मुख्य वरी मुझे घर याद अची रो घर में जो सुख आए ना वो काथे भी न मिल अस सोचा इतने वो उत वो लेकिन घर चाहे कड़ो भी हो घर जो हों ना उन जो सुख तो स्वर्ग में भी को हाँ वही घर हलूँ घर अचन था उन कर्दम ऋषि देवहूति के नव कन्या उत्पन्न थियन थी तो कर्दम ऋषि चवे तो हाँ मैं तपस्या कर चाहो लेकिन देवहूति चवे थी कि हली वा तपस्या कर नव कन्या उनको विवाह थी वो मुझे ख्याल केर रख शास्त्र में भी लिखल है कि शुरू में जी कन्या होंगी है उनको ख्याल पिता वह पिता के घर में होंगी है पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके बाद पति अगर भगवान ने करे पति तपस्या करण के लिए हली वो तो उनके छे कर पुत्र के आश्रय में रही है मुझे तो पुत्र भी को भगवान पान हो जैसे भगवान विष्णु आया हुआ तद ही भगवान विष्णु कर्दम ऋषि के हो कि तुझो जैसे देवहूति से विवाह मां पान तुझो पुत्र बणजी कर कर्दम ऋषि न हो कि मुख्य जड़ो पुत्र घुर्जे कोई भी न भगवान से इं याचना न कई लेकिन भगवान उनकी तपस्या ऐसी एतो प्रसन्न थो तद चई भगवान भी तचनवारा न करे तुम मुख्य छे न वो कर्दम ऋषि चो ठीक है जेस तई पुत्र उत्पन्न न थी तो मां तुझे साथ रहद कोई कुछ समय का कर्दम ऋषि देवहूति के घर में भगवान कपिल जो जन्म थे बोल कपिल देव भगवान की भगवान कपिल इतना सुंदर बिल्कुल घोरे रंग जहाँ वार जो गुंडीदार करली वार हुआ गोल्डन कलर जहाँ भगवान इतना आनंद भगवान जो जन्म थो एतो आनंद उनके घर में लेकिन कोई भी कर्दम ऋषि जो हाँ मुख्य वनो है तपस्या करण के लिए इतना एक सवाल उठे तो कि तपस्या तो मानो भगवान की प्राप्ति लाइ करे तो ना जैसे साक्षात भगवान घर में आयो आए तो कोई तपस्या में वन की कड़ी जरूरत है भगवान के ही प्रेम कर भगवान से ही प्रेम कर उनकी सेवा कर तो उते लेकिन कर्दम ऋषि जो मन ना उन भक्ति में हो उन तपस्या में हो उन भगवान की सेवा में ना हो कोई सभी की जितना भी जीव आन ना जितना भी जीव आन ओ भगवान सांजो अलग अलग तरीके जो उनको भाव हों मतलब जिस तरह से मैं भगवान से प्रेम करती हूँ मेरा एक अपना ही भाव है आपका अपना सभीजो एक भाव हों कि भगवान के किए प्रसन्न क्या तो कर्दम ऋषि की इच्छा हुई तपस्या करण की वो तो हली वाया तपस्या करण के लिए लेकिन इतने माता देवहूति उन्होंने जो जी नव कन्या हो उन्होंने विवाह अलग अलग ऋषियों से ब्रह्मा जी करायो मतलब जी अनुसुईया हुई उन्होंने विवाह अत्रि ऋषि से थो न्यू भी जी अरुंधति जो विवाह वशिष्ठ मुनि से थो तो सभी नव कन्याओं जो विवाह अलग अलग ऋषि मुनियन से थो एक दफा थो भगवान कपिल देव इं सब कम मतलब सुबह की संध्या सुबह जो जो मंगल आरती थी है अमृत वेले ध्यान में बैठा हुआ तो उते अची करे माता उन्होंने चवे थी देवहूति माता चवे थी कि निर्वाणम नितराम भूमन असत इंद्रिय दर्शनान ये न संभाव्य माने न प्रपन्नांधम तम प्रभु कि हे प्रभु माँ असत इंद्रियन जे करे उनन के आनंदित कंदे 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 हाने ओ
थकी वही हाने हाने मां हाने मां उनन उब उब गई हूं, मतलब सिंधी में क्या समझे, अब मेरा दिल भर गया, मतलब हाने असत इंद्रिय जो मतलब चाहे कि जिके असन जो इंद्रियों आहे अख कान नाक जीभ आईया इसके हर वक्त असा का कुछ ना कुछ भोग गुरंदियो आहे, है ना, आंखें कुछ देखना चाहती हैं, कान कुछ सुनना चाहते हैं, जीवा कुछ टेस्ट चाहती है, स्किन कुछ स्पर्श करना चाहती है, आई जेत्रो आनंद पंजी इंद्रियन सा माता देवहूति भोग्यो आहे एत्रो तो असा सपने में भी न था सोचे सको छकान तो उनन पंजे योग बल सा कर्दम ऋषि उनके एतरी लग्जरियस लाइफ दिनी हुई जेकी असा सोचे न था सको, लेकिन कोई भी उहा सवेती कि हाने इनन इंद्रियन के खुश कंदे 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 हाने मा थक जी वेई आ छकान तो इंद्रियो हर वक्त भोग साई दियो आइन आई असा चाहे उनके केत्रो को भोग दियो केत्रो भी उनके आनंदित करण जो प्रयास कयो ओहे कदै संतुष्ट न थी दियो आइन चाहे कुछ भी थी वने जे ताई असा जेको आनंद प्राप्त करण जी इच्छा कई आहे उन जे लाए केतरी मेहनत कई आहे आई वो आनंद असा के मिलियो आहे लेकिन मिलण खा पोए असा कदै सैटिस्फाइड थियायो ये जो शरीर आहे वो कदै सैटिस्फाइड न थिंदो आहे वो बल्कि और चाहिए इकड़ी इकड़ी वस्तु जेकी असा के खपती आहे वो असा के मिलंदी आहे वरी उन जे बाद बी शय जो जरूरत पंदी आहे बी इच्छा उत्पन्न थींदी आहे उनखां पोइ बी इच्छा या इहा आहे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में चवनि था जे हिकड़ी अग्नि हुजे आ न अग्नि जे अंदर असा ॾिसंदा अग्नि भुजे थी पई उन में हिकड़ो चमचो भरे करे घी विझंदासीं अच्छा घी विझण सां उन अग्नि जो पेट भरजी वेंदो आहे बल्कि छा थींदो आहे और भी भड़कने लगती है और बीज बीज हम तो और भी अगर घी मिलना सी तो और भी तो इंद्रियों ऐसी तरह ही जितरो जितरो ऐसा भोग लेना आयो उतरो उतरो उत्तेजित थी दिया जिस टाइम पर आप कोई वस्तु चाहते हो ना ये मुझे मिल जाए मिल जाती है ना लोभ उत्पन्न हो जाता है और चाहिए है ना एक बार देखा है दूसरी बार देखने की हवस एक बार खा लिया अभी और भी एक दफा एक खाया था अभी चार एक साथ लेंगे मतलब जितरो जितरो इच्छा पूरी करना वेंदा ओतरो ओतरो लोभ वधंदो आहे ऐं अगर इच्छा पूरी न थे सपोज इंद्रियन जी आपने कोई इच्छा की पूरी न थे तो कोई छा थींदो आहे कोई क्रोध ईंदो आहे जेको मुझे ऐं मुझे इच्छा जे विच में ईंदो आहे उन जे मथां एतिरो क्रोध ईंदो आहे लॻंदो आहे की हुन खे बसि कीअं बि करे मां नष्ट कयां छाकाणि त उहो मेरी इच्छा पूर्ति के विच में आ रहा त इंद्रियूं जेके आहिनि से सर्प जी तरह असांखे ॾसे रहंदियूं आहिनि हर वक़्तु और असत लिखियलु आहे असत जो मतिलबु छा आहे कि वास्तव में असां जेको सुख चाहे रहिया आहियूं उहो इन्हनि शरीर जे द्वारा असांखे मिली ई नथो सघे छाकाणि त असां शरीर न आहियूं जीअं असांजो शास्त्र असांखे ॿुधाए थो असां केरु आहियूं असां आत्मा आहियूं ऐं आत्मा खे आनंद जी ज़रूरत आहे असां सोचींदा आहियूं शरीर खे भोग ॾेई करे असां आनंदित थींदासीं उहो ऐसे है प्रहलाद महाराज भागवतम जे सते स्कंद में ॿुधाइनि था कि सपोज आपको यहाँ पर कोई मच्छर काट रहा है ठीक है मच्छर अगर अवां के कटे तो और तवा साइड वाले के खुजायो था छा तवा जो मच्छर जो जेको खारिश ऐसा खत्म थी वेंदी नहीं जिसको मच्छर ने काटा है उसी को तो खुजना पड़ेगा उन्हीं तरह आनंद जी जेकी जेकी मांग आए ना सा इंद्रियन जी को ना है वो आनंद वो तृष्णा जेकी आहे सा आत्मा जी आहे ऐं आत्मा एक जन्म का ना हिन जने का जन्मी आहे तने का ना ना जाने केतरन पुराणन जन्मन का करोड़न जन्मन सा उन आनंद जी इच्छा करे रही आहे उन आनंद जे लाइ तड़पी रही आहे और असां छा कंदा शरीर के भोग ॾींदा मन सुखी थी वञो शरीर के भोग और भी मन सुखी थी वञो और कोई लाभ थींदो नाहे तंहिं करे माता चवे थी कि हे पुत्र मां त केतिरी कोशिश कई आहे ऐं हर तरीक़े जा सुख ॾिना पंहिंजी इंद्रियनि खे मगर हाणे मां थकी पई आहियां
हाणे मां इन्हनि इंद्रियनि खे संतुष्ट कंदे कंदे थकी पई आहियां, मूंखे ॿुधाए त सही कि मूंखे वास्तविक आनंद प्राप्त कीअं थींदो। ऐं लब्धम में तद अनुग्रहात्, तव्हां पंहिंजी कृपा सां मूंखे प्राप्त थिया आहियो, तंहिं करे तव्हां ई केवल मूंखे ॿुधाए सघो था। हिते ॿुधाइनि था कि हम खुद से नहीं जान सकते, पंहिंजे कल्याण जे लाइ कंहिं गुरुअ वटि वञिणो पवंदो। भॻवान श्री कृष्ण जे साम्हूं कृष्ण हुए, अर्जुन जे साम्हूं भॻवान श्री कृष्ण हुया, लेकिन जेसि ताईं भॻवान खे गुरु न कया, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि तं धर्म सम्मूढ चेत यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शानि मां त्वां प्रपन्नम्। हाणे मां तव्हांजो शिष्य आहियां ऐं तव्हांजी शरण में आयो आहियां, तव्हां मूंखे उपदेश ॾियो, तव्हां मूंखे ॿुधायो मुंहिंजे लाइ छा बेटर आहे। भॻवानु सामनो आहे, भॻवान खे ईअं नथो चवे कि मूंखे हीअ वस्तु चाहिए, भॻवान खे छा चई मूंखे छा घुरिजे, मूंखे उपदेश घुरिजे। मतिलब जॾहिं कोई गुरु या भॻवान जे रूप में गुरु अची करे असांखे उपदेश ॾींदा आहिनि न, उन सां ई असांजो कल्याण थींदो आहे। अॼु माता जे साम्हूं ख़बर अथसि मुंहिंजो पुटु केरु आहे, साक्षात भॻवानु आहे, तॾहिं हुनजे साम्हूं आई, लेकिन भॻवान खां बि घुरे छा थी, सिर्फ़ु उपदेश घुरी रही आहे। पूरा हिते देवहूति माता खे सांख्य दर्शन जो ज्ञान ॾिनो आहे, ऐं श्रीमद भागवतम में ॿ जेके आहिनि सभ खां वॾा जेके ज्ञान जा टॉपिक आहिनि। हिकिड़ो त यारहें सिकंद में जेको सभ खां वॾो उपदेश आहे, जेको भॻवानु श्री कृष्ण उद्धव भगत खे ॾिनो आहे, ऐं ॿिए नंबर ते जेको सभ खां वॾो उपदेश आहे उहो कपिल देव पंहिंजी माता देवहूतीअ खे ॾिनो आहे। इहो सांख्य योग जेको आहे उहो सभ खां वॾो कठिन सब्जेक्ट आहे, ऐं इहो अहिड़ो कठिन सब्जेक्ट पंहिंजी माता हिकिड़ी स्त्रीअ खे ज्ञान ॾेई करे भॻवानु इहो साबित कराइनि था कि स्त्री जटिल खां जटिल ज्ञान जी बि अधिकारी आहे, उनखे सम्झी सघे थी ऐं समय अचण ते उनखे सम्झाए बि सघे थी। लेकिन हिते माता अची करे पंहिंजे पुट खे, भॻवानु आहे, उनखे ईअं नथी चए तूं त वेठो आहीं न, तूं भॻवान जी प्रॉब्लम सॉल्व कर, जीअं असां वञी करे भॻवान खे चवंदा यार तुंहिंजे हुते में प्रॉब्लम तूं सॉल्व कर, भॻवान खे चवनि था अर्जुन चए थी मूंखे ॿुधाए मूंखे कीअं करिणो आहे, मुझे उपदेश दो। माता चवंदी मूंखे ॿुधाए मां कीअं कयां, मतिलबु करना नहीं है भॻवान, तुम खाली मुझे आदेश करो, स्वामी आई तू, मां तुंहिंजो नौकर आहियां, मां तुंहिंजो दास आहियां, करंदसि मां, खाली तू बस आदेश ॾे। त उहो माता चवे थी कि मूंखे ॿुधाए कि मां कीअं पंहिंजे इंद्रियनि खे आनंद ॾियां। तॾहिं करदम कपिल देव जेके आहिनि से ॿुधाइनि था कि ॾिस माता, संसार में सभिनि माण्हुनि जे दुख जो बस हिकिड़ो ई कारण आहे। केरु ॿुधाए सघे थो पंहिंजी ओर सां? संसार में सभई माण्हू दुखी आहिनि, 100% दुखी आहिनि, ऐं उनजे दुख जो सिर्फ़ु हिकिड़ो ई कारण आहे। हमको लगता है कि अलॻि अलॻि कारण से दुखी आहिनि, लेकिन हिकिड़ो ई कारण आहे जंहिंजे कारण सभई जीव दुखी आहिनि। ऐं उहो दुख जो कारण छा आहे? भॻवान खां वियोग ऐं संसार खां संजोग। असां संसार जे निकट अची करे भॻवान खां परे थी आया, तंहिंजे करे दुखी आहियूं। संसार कीअं आहे? दुखालय अशाश्वतम। भॻवान कीअं आहे? सच्चिदानंद विग्रह। सच्चिदानंद भॻवान जो साथ छॾे करे हिन दुखालय संसार में पाण खे एतिरो त विकोड़े छॾियो आहे, एतिरो त उन संसार सां पाण खे जोड़े छॾियो आहे, जंहिंजे करे दुखी आहियो। तंहिं करे भॻवान अॼु माता खे ॿुधाए थो कि मैया तुंहिंजे दुख दूरि करण जो बसि हिकिड़ो ई तरीक़ो आहे, योग आध्यात्मकम पुंसां मतो श्रेयसां मे अत्यंतो परे तत्र दुख दुखस्य च सुखस्य च। कि माता हिन संसार में न त दुख आहे न त सुख आहे। भॻवान त चवे थो दुखालयम आहे, लेकिन कपिल देव चवे थो कि मनुष्य जे लाइ संसार में दुख और सुख आहे कोन। दुख और सुख त केवल असांजे मन जी भ्रांति आहे, मात्र स्पर्श, इहो त खाली इंद्रियनि जे लाइ, असांजे लाइ कोन आहे।
असां त आत्मा आहियूं तंहिं करे दुख और सुख सिर्फ़ इंद्रियनि खे मिलंदो आहे ऐं उहो सिर्फ़ मन जी भ्रांति आहे। जीअं सर्दी जे मौसम में जॾहिं फैन हलंदो आहे त असांखे दुख ॾींदो आहे, गर्मीअ जे मौसम में जॾहिं हलंदो आहे त आनंद ईंदो आहे। सर्दी जे मौसम में जेकॾहिं असांखे कोई ब्लैंकेट ॾींदो आहे, ओढ़ाईंदो आहे त सुठो लॻंदो आहे। गर्मी में ईंदो आहे त उहे असांखे वणंदो ई न आहे, छा कया यार गर्मी में मेरे को ब्लैंकेट, है न। त उहा ई शइ वस्तु जे अंदरि दुख और सुख कोन आहे। असांजी स्थिति अहिड़ी हूंदी आहे जेकी असांखे दुखी या सुखी कंदी आहे। तंहिं करे माता खे भॻवान चवनि था, मुंहिंजे मन जे अनुसार जीव जे दुख जो कारण आहे भॻवान सां वियोग। ऐं जेकॾहिं जीव सुखी थियणु चाहे थो त हुनजो बसि हिकिड़ो ई तरीक़ो आहे कि कहिड़े तरीक़े सां जीव भॻवान सां पंहिंजो संबंध जोड़े। योग आध्यात्मकम पुन सां, इहो भॻवान सां जेकॾहिं संबंध जो जुड़जी वेंदो आहे तॾहिं जीव जो दुख ख़तमु थींदो आहे। तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यम वोचम पुराण खे, चवे थो पंहिंजी माता खे, हे मैया तूं अनघ आहीं। हाणे हिन जो मतिलबु, अनघ जो मतिलबु आहे निष्पाप। ॾिसो, दिव्य ज्ञान जो अधिकारी प्राप्त थियण खां पहिरीं, अधिकार असांखे प्राप्त थिए उनखां पहिरीं असांखे निष्पाप बणजणो हूंदो आहे। यादि रखो भक्तो, पेट में मांस हुजे, हथ में शराब जी बोटल हुजे, तॾहिं त असांखे संसारी ज्ञान बि प्राप्त न थींदो, पोइ आध्यात्मिक ज्ञान जी कहिड़ी ॻाल्हि कजे। तंहिं करे आध्यात्मिकता जे रस्ते में एंटर थियण खां पहिरीं श्रील प्रभुपाद जी चवनि था, कम से कम चार पापन का असांखे आजो थियणो पवंदो। चार पाप जॾहिं असां ॿाहिरि छॾे ईंदा आहियूं तॾहिं असां आध्यात्मिक ज्ञान जा अधिकारी थींदा आहियूं। मांसाहार नाहे करणो, शराब नशो नाहे करणो, जुआ नाहे खेॾणी, भई व्यभिचार, इहे चार पाप जेको कंदो आहे उहो भगत जा मनुष्य बि नथो बणिजी सघे। मनुष्यनि जी कैटेगरीअ में बि उनखे शास्त्र नथो रखे। तंहिं करे असांखे हाणे थोरो सीरियस थियणो आहे कि इहे अपराध हुनखे न ई करणे। तंहिं करे माता खे चवे थो कि माता, छाकाणि त तूं सभिनि पापनि खां आजी आहीं। जॾहिं माण्हू पाप कंदो आहे न, त पाप सां मती एतिरी भ्रष्ट थी वेंदी आहे कि उहा भॻवान में न लॻंदी आहे। पाप जे करे भजन न थींदो आहे। कॾहिं कॾहिं असां चवंदा आहियूं न, असां सां नाम जप न थींदो आहे, असांजो मन नथो लॻे। इन जो कारण इहो आहे, छाकाणि त पाप जे करे असांजी मती दूषित आहे, असांजो मन अपवित्र आहे। जॾहिं जीव निष्पाप रहंदो आहे न, तॾहिं उहो निर्मल थींदो आहे। जॾहिं पापनि खे शरीर अॻियां वधंदा आहियूं त ॾाढो सरलता सां अॻियां वधी वेंदा आहियूं। तंहिं करे पाप जेको कंदो आहे न, उहो करंदे वक़्तु बि उहो लॻंदो आहे उनखे मां इंजॉय करे रहियो आहियां, लेकिन अंदरि सां अंतर आत्मा उनजी दुख ॾींदी अथसि। तंहिं करे उहो भक्तीअ में प्रगति नथो करे सघे। तंहिं करे हाणे हाणे भॻवानु माता खे ॿुधाईनि था, ॾिस माता, चे तह खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतं गुणेषु सप्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये चेतस खलवस्य बंधाय। माता, इहो जेको मन आहे न, उहो ई असांजे बंधन जो कारण आहे। मुक्तये चात्मनो मतं, और इन मन जे कारण ई असां इन संसार मां मुक्ति प्राप्त करे सघूं था। गुणेषु सप्तं, मन जॾहिं इन्हनि टिन्ही गुणनि में बदिजी वेंदो आहे, कॾहिं रजो गुण में, कॾहिं तमो गुण ऐं सतो गुण में जॾहिं बदिजी वेंदो आहे, तॾहिं असांखे रजो गुण माण्हू प्रयास कंदो आहे। वर्क वर्क वर्क, जेके हर वक़्तु सभु सोचींदा आहिनि न, असांखे कमु करिणो आहे, कमु करिणो आहे, अर्निंग करणी आहे, उहे रजो गुण ई हूंदा आहिनि। पहिरीं चवंदा आहिनि असांखे ज़्यादा ज़्यादा महिनत कंदा आहिनि, पोइ वॉन्ट वॉन्ट वॉन्ट, और बि चाहिए, और बि चाहिए, और बि चाहिए, उनजे बाद वरी 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 परेशान परेशान www.com, इहो हूंदा आहिनि रजोगुणी। हर वक़्तु चवंदा आहिनि कुझु करना, रजोगुणी हूंदा आहिनि। ज़्यादातर असां में सभु रजोगुणी आहिनि। पहिरीं महिनत कंदा आहियूं, उनजे बदिले में इच्छाऊं कंदा आहियूं, उनजे बाद परेशान थींदा आहियूं। ॿिया जेके सतोगुणी हूंदा आहिनि, से बि छा, सतोगुण बि असांखे भौतिक जगत में घुमाईंदो आहे। पहिरीं चाहींदा आहियूं असां हिन संसार में आनंदित थियूं,
ज्ञान होंगे स्वर्ग में आनंद के स्वर्ग में वही लेकिन कोई भी वो जन्म मरण के चक्कर का छुटा ही ना सके तमो गुण तो शुरू का वही अंत आखिर तीन अंध ही आए वो न ही ना संसार में सुखी रहो ना ही अग्न जी को फिक्र करें तो ये सतो गुण रजो गुण तमो गुण में जैसे जीव बदल है तद ही ती जीव दुखी रहो है रतम व कुंसी मुक्त है जैसे भगवान में मन लग भगवान बस सुठो लगन शुरू थी वे अज ती असके संसार में क्या वणंद है हर शय है ना खाने की शय होंगी है तो जिभ की वणंदी है दिखने में सुंदर लगती है तो आंखों को देखने का मन करता है स्पर्श करण के लिए इंद्रिय स्पर्श है वो बस भगवान में एक दफा आकर्षण उत्पन्न थी वे उन टाइम से प्रॉब्लम सॉल्व बस भगवान अच्छा लगने लगे ते करे ये सब जेको असा सत्संग करना हो ना जेको भी साधना है नाम जप कयूं था श्रवण कयूं था शास्त्र पढ़ूं था इन जो कारण इकड़ो है भगवान से प्यार थी वने बस यो जेको संसार में प्यार लगी वयो आए ना जिनके कारण दुखी रहा आयो 99 जेके रोग आए ना सिर्फ मन जे करे आए तो मन इन संसार में लगल आए वो मन जैसे भगवान में लगी वे तो असि हर एक प्रॉब्लम सॉल्व थी वेंदी है उनखे अहम ममेती संसार में माँ मुझो हे मुझो हे मुझो यो सोचे करे जिस दिन आपने सोचा ना ये मेरा है उसी दिन से दुखी मुझो है तद ही तो दुखी कहो जी जीव जो है अनासक्त थी वे कि मुझे कैंसा संबंध को ना कोई करे दुखी थी तो अपने लिए दुखी नहीं है अपनों के लिए दुखी है और पहनो असल में आए के एक करे राधा गोविंद महाराज चवंदा ही संसार जो है दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज वी आर ऑल कैरेक्टर्स अस सभी कैरेक्टर्स आयो रोल सभी के मिलो है कंखे पत्नी जो कंखे पति जो कंखे पुत्री जो कंखे पुत्र जो बस ये सोच कर करना है कि मुखे पैंजो रोल सुठे तरीके से करणो है वास्तव में जी दिसो कोई भी जी हीरो हीरोइन होंदा है उनकी पर्सनल लाइफ भी होंगी है रंगमंच से उनके कोई कैरेक्टर करण के लिए दिनों होंद तो उन टाइम से वो सुठे तरीके से करना है तभी तो फिल्म हिट भी है लेकिन वो ये थोड़ी भूल जाता है कि असल में मैं किसी और का पति हूँ वो ये थोड़ी भूल जाती है कि मेरा पति कोई और है या मेरा बच्चा कोई ये तो ना थी दो आए ना उनके पैंस रियल लाइफ तो याद होती है ना असा जी प्रॉब्लम से आए कि असा के भी इतने एक रोल मिलो है आई असा पैंजो जो वास्तविक संबंध है भगवान असा उनके असुल विसारे छो सपोज अगर अगर अमिताभ बच्चन को कोई रोल मिले किसी और हीरोइन के साथ करने के और फिर जया बादरी को बोले मुझे हाउ आर यू आप कौन हो अभिषेक बच्चन को पहचानना से इनकार करे तो फिर उसका क्या होगा है ना वो या असा ने साथ वास्तविक संबंध जो है सो भगवान के साथ है इतने संसार में असा हिसाब किताब पूरे इन जो मतलब यो ना है भाई सुभाने का जो भाई नाटक है सब उस टाइम पर जब हम फिल्म में काम कर रहे हैं तो हमको क्या करना है एकदम परफेक्टली रोल करना है बिल्कुल एकदम अड़े तरीके से चले तो डायरेक्टर खुश थी ना उनके खुश करना है ताकि असानी प्रमोशन थे तो कोई वो लेकिन कोई भी मन से असा के याद तो हो कि मुझे वास्तविक संबंध भगवान के साथ आए तो जीव जो वास्तविक जीव जो है सो भगवान जो ही अंश है तेने करे माता के कपिल देव बुधाएं था कि इन संसार में जो वैराग्य हो भक्ति युक्त इन चेतस मन में जैसे शुद्ध भक्ति आए तो वो मन के शुद्ध करण जो सब का सरल तरीको है तब माता चवे थी अच्छा वो भक्ति क्या कजे तो मन में ये जो काम क्रोध लोभ आसक्ति है सब खत्म थी वने तो नहीं कपिल देव बुधाइन था भक्ति तो घणे तरीके से आए माता नवधा भक्ति के विषय में बुधाइन था कि सब का सरल भक्ति जी है श्रवण करण जदि असा भगवान के विषय में बुधंदा आयो न तद ही असके ऑटोमेटिकली भगवान जी और आकर्षण अज अस संसार जो आकर्षण क्या थो है उन विषय में बुद्धो है ना जी शय के विषय में कदम तुम बुद्धो ही ना उन आकर्षण
जिसके बारे में कभी नहीं सुना, जैसे अभी एक नया मॉडल आईफोन का आया, अभी तक कोई उसका प्रचार नहीं हुआ है, ना कोई भी एड नहीं आया, आपको पता है उसके बारे में, आप उसको आकर्षित होते हो उसकी ओर नहीं? जब आप उसके बारे में सुनोगे, उसको देखोगे, तब तो पता चलेगा, तभी तो आकर्षण होगा। और नहीं तरह सा भगवान जी विषय में, भगवान जी महिमा जी विषय में, भगवान जी लीला जी विषय में जी बुधन तो आए तीन तीन भगवान जी और असो आकर्षण उत्पन्न थी है। ते करे माता के चवन था, माता चवे थी, अच्छा भक्ति प्राप्त किए थी, थी? भक्ति प्राप्त करण जो कोई तरीको बुधा है तो नहीं, दादो सुंदर श्लोक बुधाईंदे हुए कपिल देव चवन था, प्रसंगम नजरम पाशम आत्मानम कवयो विदु स एव साधुषु कृत्वो मोक्ष द्वारम अपावृतम। प्रसंगम अजरम पाशम, मैया यो जेको प्रसंग आहे न, यो जेको संसार जो जेको बंधन आहे, अजर आहे, सॼी ज़िंदगी मथो हणंदासीं न, ईअं न थींदो की भई वॾा थींदासीं ऐं सभु ख़तम थी वेंदी, ईअं न थींदो। कॾहिं लॻंदो आहे भई अञा त ॿार नंढा आहिनि, पोइ वॾा थींदा, पोइ असां भॻवान जी भक्ति कंदासीं। जितना जितना आगे जाएंगे उतना उतना आकर्षण बढ़ेगा। चवंदा आहिनि मुंहुं लखण त सूद प्यारो हूंदो आहे, पंहिंजे ॿारनि में एतिरी आसक्ति न हूंदी आहे, पोटनि पुटनि में अञा ज़्यादा आसक्ति थींदी आहे। तो इहो जेको आहे अजर पाश आहे, इहो कॾहिं बि ख़तमु न थियण वारो आहे, लेकिन स एव साधु शुभ हुई। इहो ई आसक्ति जेकॾहिं कंहिं भॻवान जी भॻत में थी वञे, बसि जंहिं ॾींहुं तव्हांखे भॻवान जो भॻत मिली वियो न, समझो भगवान खुश थी वयो आहे। मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष जो द्वार खुली वेंदो आहे, बस आपको खाली अंदर जाने की देर है। अज कपिल देव पंहिंजी माता खे ॿुधाइनि था कि ही जेको संसार आहे न, उन जे अंदर असांजी जेकी आसक्ति आहे, उन आसक्तिअ खे ख़तम करण जो सादो सीधो ऐं सरल तरीक़ो आहे कि असांखे भॻवान जे भक्तनि जो संग करणु घुरिजे। छाकाणि त हाणे ताईं भॻवान जे संसार जे लोक माण्हुनि जो संग कयो आहे, तंहिं करे संसार में आसक्ति आहे, पोइ कंहिं भॻवान जो भॻत मिली वञे न, उन जो संग पोइ धीरे धीरे आसक्ति उन जी तरफ़ डाइवर्ट थी वेंदी आहे। कृष्ण भक्ति जन्म मूल हुए साधु संग। अगर असां पंहिंजे जीवन में कृष्ण जी भक्तिअ खे उत्पन्न करणु चाहियूं था त कंहिं साधुअ जो संग कयूं। ऐं शबरी माता खे जॾहिं श्री राम नवदा भक्तिअ जे विषय में ॿुधाइनि था, तॾहिं श्रवण त स्टार्ट नथा कनि, तॾहिं चवनि था प्रथम भक्ति संतन करि संग। मैया पहिरीं भक्ति आहे कि संत जो संग करो, ऐं जॾहिं संत जो संग कंदा आहियूं तॾहिं असांजे हृदय में भॻवान जी भक्ति उत्पन्न। छाकाणि संत छा कंदो, संत त भॻवान जे विषय में ॿुधाईंदो। तॾहिं मैया चए, ऐं देवती मैया चए थी, पुत्र मूंखे इहो त ॿुधा, संत चइजे छा केॾो? संत ऐं भॻत खाली नालो रखण सां न थींदो आहे। असांजे समाज में ईअं आहे, कंहिंजे बि नाले जे अॻियां भॻत लॻाए छॾियो, पोचो इहो भॻत आहे, ऐसे न होता। भॻत जे अंदरि छा क्वालिटीज़ हूंदियूं आहिनि उहो भॻवानु ॿुधाइनि था। ऐं ॾाढो सुंदर श्लोक आहे श्रीमद भागवतम तीसरा स्कंद 25वां अध्याय श्लोक नंबर 21। भॻवानु चवनि था तितिक्षणा कारुणिकाः सुहृद सर्वदेहिना अजात शत्रवः शान्ता साधव साधुभूषण। माता अगर के भगत के पहचान सुञाणणो आहे त उनजे अंदर इहे सभु क्वालिटी हुजणु घुरिजनि। छा हुजणु घुरिजे? पहिरियों आहे तितिक्षव, यानी उनजे अंदर बर्दाश्त हुजणु घुरिजे, भले उनजे साथ कुझु बि थी वञे, उहो कॾहिं बि उफ न कंदो आहे। छाकाणि त उनखे भॻवान जे मथां एतिरो भरोसो हूंदो आहे। असां ॾिसूं था सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, हरिदास ठाकुर, उनजे मथां केतिरा अत्याचार थिया आहिनि। पांडव आहिनि, मीरा माता, कुंती महाराणी, उन्हनि जे मथां केतिरा अत्याचार थिया। कॾहिं भॻवान सां कंप्लेन न कई अथऊं त भक्त जो पहिरियों कहिड़ो गुण आहे? जीअं उहो वृक्ष जी तरह हुजे। वृक्ष खे असां पथर हणंदा आहियूं
असा के बदले में वो गुल या फल उन तरह भक्त जो है उनके अंदर पहणों कड़ो हों गुण हों तितिक्षव यानी बर्दाश्त करो हों सेकेंड उनको गुण हों कारुणिका कारुणिका मतलब उनके अंदर दया होंगी है वो कहसे भी मत कद कोई अत्याचार न कह जो मानसाहार कह है वो कद भगत नो सके साधु जो हों अंदर दया होंगी है मानसार तो दूर की गाल है वो तो कंखे कदम दुख ही तो भी ना कदम कोई शब्द भी न चवंदो है जैसा उनको हृदय दुखे उनका भी वही गाल चवन था पा कारुणिका मतलब वो हर वक्त एकड़ी कोशिश कह है कि क्या मैं भगवान जो संदेश मानों ताई पहुंचाया क्या मानों के भगवान की भक्ति के विषय में बुधाया क्या मैं इन के भगवान से प्रेम करण सेखारा क्या भगवान जो नाम उच्चारण करण सेखारा तो पैं नंढ्यू आराम सब इन साइड में रखी कर भक्त जिते किते वेंदो काते काते वेंदा गलियन में प्रचार कंदा नगर कीर्तन कंदा जगन्नाथ रथ यात्रा कंदा कदें बोट फेस्टिवल कंदा कदें कड़ा फेस्टिवल कि मानों के कन से भगवान जो नाव वने तो मानों से उनके मथा कृपा थे सुहृदम सर्वदेहिना सर्वदेहिना मतलब खाली मनुष्य के लिए ना सभी जितना भी जीव आन उनके लिए वो सुहृद होंगे उनकी मथा उनकी कृपा होंगी है अजात शत्रु शांत भले उनके कोई पानो दुश्मन भी समझे लेकिन वो कहीं भी कैसा दुश्मनी न करो आहे साधु जो मतलब हुंदो आहे साधु जो मतलब हुंदो आहे जेको बस भगवान में रमियो रहे उन जो सिर्फ एको ही मन में होजे कि मां किए भगवान के प्रसन्न कया मां किए पंजे गुरु जे आदेश के पूरो कया आई वो शांत हुंदो आहे खबर तो शांत केर रही सके तो शांत वो ही रह सके तो जिनके भगवान के मथा विश्वास आए कि वो कहीं भी मुझे साथ गलत न तो करे सके आजकल तो ऐसा भगत बन जी कर भी हर वक्त हड़बड़ी में रहना ऐसा क्यों हो गया अब ऐसा हो गया तो क्या होगा अब ऐसा हो गया कैसे होगा वो भगवान जो चवे तो कि मुझी इच्छा के बगैर एक पत्तो भी न तो हिली सके मया दक्षिण प्रकृति ही सूयते तो इट मीन्स जो कुछ भी हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है फिर क्यों टेंशन अगर अगर किसी मन में टेंशन आए अशांति आए जेकर अगर कोई सोचे तो कि ऐसा क्यों हो रहा है इनको एक मतलब है कि उनके भगवान में विश्वास कान आई जो भक्त होंगे है उनके तो भगवान के मथा एतरो विश्वास होंगे है कि उनके जीवन में चाहे कोई केतरी भी वही दुर्घटना थी वे जदय मीरा के हथ में जहर जो प्यालो आयो हो तदें उन टाइम तो जहर भी साने तो मैं मरण वाली आय लेकिन उनके जदय लगो हो ना कि भाई ये मुझे गिरधर मोको है वो जे दासी जी की खड़ी आई है राणा के भाव का खड़ी तो है लेकिन चेती भाई साहब पीना मत इसमें जहर है राणा तुम्हें मरवाना चाहता है तदें मीरा छाती से खबर तो तदें चवे थी जे कदें मुख्य मुझे कृष्ण बचाने चाहे तो राणा के अंदर अड़ी ताकत आए कि मुख्य मारे सके अगर कृष्ण मुख्य मारण चाहे तो चाहे सारी संसार अगर मुख्य बचाण चाहे वो मुख्य बचा सके थी इट मीन्स एतो विश्वास हों भक्त जो पैंजे भगवान के मथा कि वो मुझे सब कदम भी गलत थे ही न तो सके वो कृष्ण बना पैंजे भक्त एतो तो वो पैंजे भक्तन से प्यार कर भक्त के पैंजी फिक्र न होंगी है भक्त के सिर्फ भगवान की फिक्र होंगी है कि हाँ भगवान के आरती जो टाइम है हाँ भगवान के प्रसाद जो टाइम है हाँ भगवान के इन सेवा जो टाइम अभी तक मेरी माला नहीं हुई अभी तक भक्त के भगवान की फिक्र होंगी है और भगवान हर वक्त ये अथा प्रपद्यंते बजाय भक्त भगवान की फिक्र क्या भगवान भक्त की फिक्र और जैसी फिक्र भगवान करे उनके भला पैंने लाइ कई फिक्र है ना तो भक्त जी अड़ो निशान बुधाए कर चवन था कि मई अनन्येव भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ मई अनन्येन भक्त जी की नई क्वालिटी मतलब बी क्वालिटी बुधा था अनन्येन कि मुझे अलावा उनके बे किसी तरफ भी नजर न वेंदी है भगवान जो है उनकी ख्वाहिश है जी हर पति चाहिए ना कि
केमोची पत्रियां में भले क्यों केड़ियों भी नंडी वडी बुराई हुजन लेकिन वह प्रेम खाली मुसा करे उन ये तरह भगवान भी चाहे तो कि भले ही अमासा के अंदर इतना नंडरा वडा कोई गुनाह कोई अपराध हुजन लेकिन उन जो प्रेम जी को आए सो मुझे साथ हो जाना मुझे प्रेम जो संबंध प्रेम गली अति साकड़ी या में दुई ना समान भगवान से तो अनन्य ना यो कोई ना सिर्फ मुझे साथ उन जो प्रेम जो संबंध हो जाए भक्तिम कुरुवंती ये दृढ़ा मई भक्ति इतनी दृढ़ हो जाए उन जो संकल्प इतरो दृढ़ हो जाए कि कुछ भी थी वने उनके डगमगाए ना सके मतलब पूरो को पूरो भगवान ने जी ऐसा प्रॉमिस कया है भले संसार में कुछ भी थी वने चाहे दुनिया इतने जो लेकिन असा जो की भक्ति आहे जो की प्रेम आहे जो को श्रद्धा आहे वो कदेही वो उन्नत अंजिए प्रहलाद दिसो प्रहलाद जी भक्ति केतरी दृढ़ हुई पहिंजो पिता हुयो उन जो हर भगत उन के मारण जी हर पॉसिबल उन कोशिश कयो कदेही हाथी जे पैर जे हेठा उन के मारण जी कोशिश कई कदेही नांगन जे मिरर में कदेही त उन के मथा पहाड़न सा लेकिन उन हिकड़े दफा भी न सोचो कि हे भगवान तू मुखे मारण तो चाही मां त तुजो भगत आया मां भगत आया ई तू मुझे साथ मुखे बचाए तो बल्कि तू अना मुझे पिताजी मुखे मारण जी कोशिश कंदो आए तू त मुखे बचाए तो उन के खबर आए हर दफा जदई को संकट इंदो आए ना उन टाइम ते भक्त के यो विश्वास आहे के संकट न्याण वाले जा ब हथ आए अई बचाण वाले जा हजार हथ आए तो वो हजार हथ सा जेको बचाई तो ब हथ वाले मुझे छा बिगाड़े सके तो ते करे भक्ति कुरवंती ये दृढ़ा ओ जेको आए दृढ़ भक्ति कंदो आहे मुझी अई आई कोई सर माता पूछे थी कि अच्छा भक्ति जेकी कंटिन्यूस करना आहे वो केड़ी भक्ति हो गया जी तू बार बार भक्ति भक्ति जे विषय में सही तो भयो करें सवन था मद आश्रया कथा मृष्टा श्रवंती कथयंतित तपंती विविधास्तापा नेतान मद्गत चेतसा मद आश्रया कथा मृष्टा बस भक्तन जो हिकड़ो ही काम आहे कथा करना है मुझे बारे में बुझाइना है आई बोय श्रवंती कथयंती पेने बुधंदा कोई बुधाइना है पे बुधंदा है बुधाइना है बस उनन के इकड़ो है आई उनन के न में इतरो आनंद इंदो आहे कि ओना के कोई अगर बे कोई मतलब कृष्ण से हटकर कुछ और बताता है तो ऐसा लगता है हैंड फ्री अंदर पड़े हुए अंदर जाता ही नहीं है कोई टेंशन वाली बात हो जाए कोई संसार जी गाल हो जाए अंदर भी नहीं ना वो लग लग लो ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है ये वाली जे जे कदे कोई प्रेम ही होता है ना तो ना भगवान सा प्रेम किए गजे तो संत तुलसीदास बड़ा तो सुठो चवना है मुझे ना हड़ो वणंदो है वो जना कामी नारी प्यारी जिनी लोभी प्रिय जिनी धाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे मोहिरा जे कोई कामी व्यक्ति होंदो है ना उना जी नजर जे के हमेशा नारी जी मथा होंदी है जी को लोभी होंदो है ना वो हर वक्त पंजे धन जी चिंता आज केतरा कमाया आज केतरा कमाया इन में होंदो है हर वक्त उन में उनय तरह सा जे कामी जी नारी में प्रीति होंदी है लोभी जी धन में प्रीति होची है उनही तरह भक्त जेको है ना भगवान सा प्रेम करदो है ओ जी उन जो जेको कंसंट्रेशन होंदो है ना बस भगवान जे साथ ही होंदो है आई ओ भले केतर तपंती भी विधास्ता पा ओ भले केतरा संसार जा उन जे जीवन में दुख इना है ऐसा नहीं है कि भक्त के जीवन में दुख नहीं आते लेकिन भगवान सातनो एक प्रोटेक्टेड शील्ड होती है उन जे मथा जे छतरी होती है तो कोई असन ने मथा बारिश नहीं दिया बारिश को केर भी रोक के ना तो सके बारिश तो कंटिन्यूस अगर अच्छी थी तो अच्छी थी लेकिन भक्त जे हाथ में भगवान नाम से जे की छतरी होती है ना हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तो उवा जे की छतरी होती आहे उवा उन के कदी भीगण न थी दे ते करे माता डाडो सुंदर इते अंतिम श्लोक आहे वो बुधाईते हुए कपिल देव चवन था सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति हित कर रसायना कथा तज्जोषणादाश अपवर्गवर्थ
आत्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरानुक्रमेशि सतां प्रसंगा मम वीर सविदो जडई के शुद्ध भक्त जी मुख सा कदई कोई कहे भगवान जी मम वीर सविदो यानी भगवान जी लीलाओं जो भगवान जी शक्ति जो भगवान जी महिमा जो जडई असा गुणगान बुधना हो कोई शुद्ध भगत बुधाई तो आए ना आज छा थींदो आहे अज असा सिर्फ मतलब दुनिया के देखण जे लाइ कथाऊं थींदियूं आहिनि कि मुझे कितना आता है जिको भी इंदो आहे ना पंहिंजो एफिशिएंसी ॿुधाईंदो आहे मूंखे एतिरो राग ॻाइण ईंदो आहे मूंखे अहिड़ा सुर ईंदा आहिनि मूंखे अहिड़ी ताल ईंदी आहे लेकिन भॻवान सां जेको प्यार कंदो आहे न जीअं श्री प्रभुपाद जी जे विषय में तव्हांखे ॿुधायां श्री प्रभुपाद जी जे अगरि कंहिं हुनखे सुञातो कंहिं ॾिठो हुजे जीअं श्री प्रभुपाद जी कॾहिं हुनजे पास न कोई एॾो वॾो स्वर सम्राट न हुयो उनके पास कोई एडा वडा सॉन्ग्स या कोई भजन कोई शब्द न गाइंदो हुयो ना ही उनजी जिया अज किया जेके मानो गालाइंदा आहिनि एडा दिल फरेब शब्द जेके हूंदा आहिनि जेके ॾाढा आहिनि आकर्षित करण उनजी जेकी वर्णी हूंदी न सा बि सिंपल ऐं उनजी एज केतिरी हुई जॾहिं अमेरिका में हुआ 70 साल ॿुढो केतिरो हूंदो तव्हां सोचो हा न हुन ॿुढो अगरि अॼु असां ॾिसूं अहिड़े व्यक्ति जो असां ॿुधण जी बि इच्छा न कंदा जेको ॿुढो हुजे जंहिंजे गले में बि एॾो स्वर न हुजे चवंदा आहियूं हिन जो गलो गलो कोन ॻाल्हाए ॻाए न सघंदो आहे ना ई हुनजो अहिड़ी ट्रिकी जेके फिलोसफी जेके आहिनि उहो बि हिकदमि सिंपली ॿुधाईंदा लेकिन छाकाणि त हुनजो अंदरि एतिरो प्यार हुयो न भॻवान जे लाइ एतिरो विश्वास हो न कि भॻवान ऐं जॾहिं एतिरा वॾा अंग्रेज जॾहिं आया हिकिड़े दफ़ा जॾहिं भारत में आया तॾहिं भारतवासियुनि चयो कि आख़िर हिन प्रभुपाद में तव्हां ॾिठो छा छा त असांजो पंहिंजो हुयो वियो हुते हुते वञी करे प्रचार पूरी दुनिया खे नचाए छॾे सभई अंग्रेज के त हिन साइंटिस्ट आहिनि कोई कोई एतिरा वॾा एजुकेटेड आहिनि कोई छा आहिनि कोई छा आहिनि एतिरा वॾा वॾा अख़र कीअं लेखा जॾहिं इहो चवंदो हो न कृष्ण भॻवानु आहे ऐं उहो तव्हांजी रक्षा कंदो जेसि ताईं तव्हां कृष्ण जी शरण में न वेंदा त जेसि ताईं तव्हांजो कॾहिं बि कोई प्रॉब्लम सॉल्व न थींदो तव्हांजे जीवन जा सभई दुख तॾहिं दूरि थींदा जॾहिं तव्हां कृष्ण जे शरण में छाकाणि त हुनजो एतिरो विश्वास हो उहो पाण भक्त हुयो तंहिं करे भक्ति जॾहिं भक्त असांखे ॿुधाईंदो आहे न तॾहिं असांजो दिलि परिवर्तित थींदो आहे तंहिं करे सता प्रसंग मम वीर संविदो हुन जे मुख मां ॿुधण सां अॼु असां श्री प्रभुपाद जी जे शब्दनि खे ई ॿुधी रहिया आहियूं इहे श्री प्रभुपाद जी अहिड़ा 18 बुक लिखिया आहिनि श्रीमद भागवतम जे मथां 18 वॉल्यूम्स आहिनि ऐं हिकिड़े श्लोक जे मथां एतिरो त सुंदर तात्पर्य ॾिनो आहे मां हिकिड़े श्लोक खे बि सम्झाईंदी आहियां हिकिड़े घंटे में जेको असां हिते पूरो सिकंद पढ़ंदा आहियूं न एतिरे टाइम ते न मां हिकिड़ो श्लोक बि न पढ़ाए सघंदी आहियां एतिरो लेकिन हुते छा फास्ट करे रहिया आहियूं ऐं उन सां छा थींदो आहे कथा जॾहिं ॿुधंदा भवंती रित करण रसायन ॿुधण सां कन आनंद थींदो आहे सम्झण सां हृदय आनंद थींदो आहे ऐं हिन संसार जी जेको रुख आहे उनजे लाइ औषधि आहे हीउ भॻवान जो नाम भॻवान जी कथा ऐं उन सां छा थींदो आहे पहिरियों छा थींदो आहे श्रद्धा वधंदी आहे भॻवान जॾहिं असां भॻवान जे भॻत खां कुझु ॿुधो आहे न सम्झो भॻवान जे प्रति श्रद्धा वधंदी आहे वरना त भले किथां खां ॿुधी अचो भले केतिरा ई तव्हांखे लॻे कि हिन ई गज़ल वांगुरु ॻाईंदो आहे हे स्वर सम्राट आहे कुझु लेकिन जेसिताईं भॻवान सां प्यार न थींदो ज्ञान से प्यार नहीं होता है ज्ञान त भले चइजे त रावण जेतिरो कंहिंजे अंदरि हूंदो 4 वेदनि जो ॼाण हुयो यहां तक कि जॾहिं देवताउनि खे बि यज्ञ करणो हो रावण त ईअं ॻाईंदो हुयो न रावण जी जेकी कला हुई रावण अहिड़े सुंदर तरीक़े सां श्लोकनि जो संस्कृत श्लोकनि जो उच्चारण कंदो हुयो देवताउनि खे जॾहिं यज्ञ करणो हूंदो न तॾहिं रावण खे चवंदा रावण यज्ञ करियो त अॼु आहुति विझण लाइ मंत्र तू पढ़जे हू वेंदो हुयो देवताउनि जे यज्ञ करण जे लाइ ऐं उनजे अंदरि एतिरो ज्ञान हूंदे हुए बि भॻवान खे न सुञाताई भॻवान खे प्रणाम न कयाई त जेको भॻवान सां प्रेम कंदो आहे उन सां उनजे विषय में उनखां जॾहिं असां भॻवान जे विषय में ॿुधंदा आहियूं त पहिरीं पहिरियों छा थींदो आहे असांजे दिलि में उनजे लाइ श्रद्धा उत्पन्न थींदी आहे उनखां पोइ रति रति मतिलबु प्रेम उत्पन्न थींदो आहे पहिरीं श्रद्धा की हा वाकई भॻवान ई आहे हे कृष्ण भॻवानु आहे
उन सां मुंहिंजो संबंध आहे, पोइ धीरे धीरे उन जे प्रति रति उत्पन्न थींदी आहे। रति माना उहो अच्छा लॻण लॻंदा आहिनि, और उनके बाद भक्ति करण शुरू करना। माला हथ में आई आए ना, समझो कि हाने भगत जो दर्शन के बाद आके जिसके कहने पे माला उठाई है ना, उनके कदे ना भूलो। छकण तो उन जे कारण ही तवाज हृदय में भगवान जी भक्ति धीरे धीरे उत्पन्न थी वेंदी आहे। ऐ उन खा पोए भगवान कपिल देव जे के आहे और भी सुंदर शिक्षा दीन था। आई बुधाई था कि माता पूछी थी भाई संसार में जीव किए इंदो आहे, तो कोई उन जे अचण जी पूरी प्रक्रिया के पहने या वो जदे गर्भ में जीव इंदो आहे बिल्कुल बुलबुले जी तरह हुंदी आहे, सेकंड कपनी वाली पेर जी तरह हुंदो आहे, वो धीरे धीरे मांस पिंड जी तरह बनंदो आहे, सत्रहें महीने में उन जे अंदर जदे प्राण इंदा आहे त भगवान सां प्रार्थना कंदो आहे, हे भगवान मां इन गर्भ में ॾाढो दुखी आहियां, इन छाकाणि त गर्भ में केतिरा कीटाणु हूंदा आहिनि, केतिरा जर्म्स हूंदा आहिनि, उनखे बाहि ताईं मलमूत्र जी थेलीअ में बंदि हूंदो आहे। भॻवान सां प्रार्थना कंदो आहे, भॻवान मूंखे ॿाहिरि कढ, मां ॿाहिरि वञी करे ज़रूरु तुंहिंजी भक्ति कंदसि। ऐं भॻवान जी उन टाइम ते हर जीव जे साथ उहो समय आयो हो जॾहिं माता जे गर्भ में उन जो भॻवान सां मुलाक़ात ऐं भॻवान खे वचन ॾेई करे आयो हो कि मां ॿाहिरि वञण खां पोइ तुंहिंजी भक्ति कंदसि। लेकिन संसार में अचण खां पोइ जॾहिं इहे संबंधी जॾहिं प्यार पहिरीं दफ़ा माखी चटाईंदा हुआ उन ईअं भॻवान खे भुलिजी वेंदा आहिनि। ऐं धीरे धीरे संसार कंदे 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 पोइ ॿुढो थींदो आहे, इहो सॼो ॿुधाए थो हुयो कपिल देव जेको आहे। ऐं पोइ मरण खां पोइ उन जीव जी छा हालति थींदी आहे, कहिड़े कहिड़े अपराधनि जे करे कहिड़े कहिड़े नरक में वेंदो आहे, इहो सभु ॿुधाइण खां पोइ माता वरी पुछे थी कि अच्छा भॻवान सां अगरि असां भॻवान जी भक्ति कयूं था त पोइ असांखे भॻवान सां कीअं प्रेम करणु घुरिजे। त पहिरीं उहे ॿुधाए भॻवान जो दर्शन करण जो तरीक़ो ॿुधाईंदा कि भॻवान जो कीअं दर्शन कजे, पहिरीं चरणनि ते भॻवान जो दर्शन कजे। उन चरणनि जो एतिरो सुंदर दर्शन वर्णन आहे कि भॻवान जा जेके चरणनि सां नाखून आहिनि उन्हनि जो दर्शन कजे, ऐं भॻवान जो जेको तलवो आहे तलवे जे मथां कीअं अलॻि अलॻि जेके अंकित आहिनि, शंख आहे, ध्वजा आहे, जव आहे, तीर आहे, उन्हनि जो दर्शन, ऐं उन खां पोइ भॻवान जी पायल जो, उन खां पोइ भॻवान जे सुंदर पीतांबर जो, कटी ते कहिड़ो आभूषण आहे, भॻवान जी वनमाला जो दर्शन कजे, भॻवान जे वर्षस्थल जो दर्शन कजे। धीरे 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 भॻवान जी भुजाउनि में ऐं भॻवान जे हथ में जेकी बांसुरी आहे उनजो दर्शन कजे, भॻवान जे मुखमंडल में भॻवान जी मुस्कुराहट जो, भॻवान जे सुंदर शीक्स जो, उन खां पोइ भॻवान जे नेत्रनि जो, घुंघराले वारनि जो, ऐं भॻवान जे मथे ते जेको मोर पंख आहे, यानी चरण सां दिलि भरे करे दर्शन करणु घुरिजे। भॻवान जेके असांखे अखियूं ॾिनियूं आहिनि न, से पंहिंजो दर्शन करण जे लाइ ॾिनियूं आहिनि। जॾहिं असां भॻवान जो दर्शन कंदा आहियूं न रोज़ाना, ॿ टे दफ़ा चार दफ़ा पंहिंजे घर में, जेकी बि तव्हांखे पंहिंजे घर में, हाणे ॾिसो जंहिंजे घर में गोपाल आहिनि, जंहिंजे घर में गोरमित आहिनि, पंहिंजे भॻवान जो दिलि सां दर्शन कयो ऐं पहिरीं प्रणाम कयो। प्रणामो दुख शमनम, भागवत चवे थो कि खाली अगरि असांखे पंहिंजे दुखनि खे दूरि करणो आहे न, डॉक्टरनि खे भुलिजी वञो, भॻवान खे प्रणाम करो, दुख ईअं छो मंतर थी वेंदा आहिनि। प्रणाम केतिरे दफ़ा कंदा, असांखे छा लॻंदो आहे प्रणाम त फ्राइडे जो जॾहिं कथा में वेंदासीं न, हिननि भॻवान खे कंदासीं, अपने घर के भॻवान को तो प्रणाम ई नहीं करते, हो भॻवान नाहे छा। घर में जेको रखियो आहे सुबुह उथी करे पहिरियों कमु इहो करणु घुरिजे, सनानु करे पहिरीं भॻवान खे प्रणाम कजे, ऐं जेतिरे दफ़ा बि मंदर में वञो, माना मंदर जिते बणियल आहे, जेतिरे दफ़ा बि वञो भॻवान खे प्रणाम करे भॻवान खां आशीर्वाद वठो, भले गोॾनि में सूरु हुजे, भले कमर में सूरु हुजे, सभई दुख ख़तमु थी वेंदा जॾहिं असां भॻवान जी भक्ति कंदा आहियूं। त ॾाढो सुंदर उपदेश माता खे अन कपिल देव ॾियनि था। ऐं पोइ वरी अंतिम जेको पार्ट आहे उन में भॻवान ॿुधाइनि था कि अगरि कोई वॾे खां वॾो पापी बि आहे, अवो बतश्व पचतो गरियान यजीव हाग्रे वर्तते नाम दुभ्यं ते भुस्तपस्तु जिहवो सस्नुराया। चितो अगर कोई वॾे खां वॾो पापी आहे, अहो बतश्व पचतो, चाहे उहो सूअर खाइण वारो या कुत्ता खाइण वारो चंडाल भी आहे, लेकिन यज्जीवहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं, अगर उन जे मुख सां हिकड़े दफ़ा भी भॻवान जो नाम निकितो
स्वामी हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे त इन जो मतलब उन जा सभी पाप उन टाइम ते नष्ट थी वया हन आई संसार में जेकी भी तपस्या हुआ हन भगवान के प्राप्त करण जा जेकी भी साधन हन चाहे वो तपस्या है दान है ज्ञान है चाहे वडा वडा जेके भी अना यज्ञ हन उहे सब उहे करे चुको आहे तंहिं करे उन जे मुख मां नाम निकितो आहे मतलब नाम जे मुख मां निकरंदो आहे भगवान जो यो जेको शब्द आहे न एतरा सुंदर आहे अंतिम श्लोक बिल्कुल अंतिम जेको आहे उते भगवान चवनि था कि जेको भगवान जो नाम उच्चारण कंदो आहे न इन जो मतलब उन सभी तपस्याऊं करे चुको आहे जेतरियों भी संसार जो जेतरी वडे का वडा जेके यज्ञ आहिन तपस्या आहिन सेतु यज्ञ तपस्या पवित्र नदी में स्नान करण ओए सभी वो करे चुको आहे तने ही उन जे मुख मां भगवान जो नाम निकलो आहे आई यद नाम देय श्रवणानु कीर्तना यद प्रवणाद्या स्मरणं तदोपचे स्वादोपि सद्य सवनाय कल्पते कुत पुनस्ते भगवन् दर्शन के ओ भगवान जे जो खाली नालो वठण सा खाली नालो वठण सा जे कने कोई वडे का वडो चंडाल भी आए यदि कोई कुत्ता खाने वाले के परिवार में भी उत्पन्न होता है भगवान के पवित्र नाम का एक बार भी उच्चारण करता है अथवा उनका कीर्तन करता है उनकी लीलाओं का श्रवण करता है उन्हें नमस्कार करता है या उनका स्मरण करता है तो वो तुरंत ही वैदिक यज्ञ करने के योग्य हो जाता है मतलब उनके ब्राह्मण बनने की जरूरत कौन है ये असा ना आजकल असो भाई ब्राह्मण के घर में पैदा थोड़ा है ना इन जो मतलब हाँ विधि इन करानी है ये कहना ना लेकिन इतने साफ साफ भगवत भगवान पान पर शब्द में चवन था जेको नाम उच्चारण करदो आहे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 उन टाइम ते ओ हाणे यज्ञ कराण जे योग्य थी वेंदो आहे ओ यज्ञ कराए सके तो ओ ब्राह्मण खां भी मथे वैष्णव जेको हुंदो आहे ना सो ब्राह्मण खां भी मथे केवल जेको भगवान जो नाम उच्चारण ऐं उन खां पोइ भगवान चवनि था पोइ उहो जेको साक्षात भगवान जो दर्शन कंदो हुजे जेको भगवान जी पूजा कंदो हुजे जेको भगवान जो अभिषेक कराए भगवान के श्रृंगार कंदो हुजे उन भगत जी भला कहिड़ी ॻाल्हि कजे हो त खाली नाले वठण वारे जो तंहिं करे भगवान जी इन सॼे ज्ञान जो सॼे उपदेश जो इहो ई सार आहे कि असांखे जीवन जो जेको जेको क्लेश आहे जेको दुख आहे उहो भक्तिअ सां ई दूरि थींदो ऐं भक्ति सिर्फ़ु साधूअ जे संग सां प्राप्त थींदी आहे तव्हां सभिनि जा लख थोरा जो एतिरी देरि मूंखे बर्दाश्त कयो अथव कृपया मूंखे आसीस अवश्य कजो त मां पाण बि भॻवान जी भक्ति करे सघां ऐं ॿियनि खे बि भॻवान जी भक्तिअ जे विषय में ॿुधाए सघां ऐं पवित्र नाम जो जप करे पंहिंजे गुरूअ जे आदेश जो पालन करे सघां हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे ग्रंथा श्रीमद् भागवत महापुराण हरिवाद आर हरे कृष्ण महामंत्र की नित्य लीला प्रवेश अभय चरणार विन भक्ति विदान स्वामी श्री प्रभुपाद।